मैं दस नहीं सकती। एक दिन जदों कोई भी क्लीनिक ते नहीं सीगा, डॉक्टर ने अपने कैबन दी अंदर कुंडी लगा के मैं अश्लील हरकतां करनियां शुरू कर दित्तियां। शहीद भगत सिंह नगर तो एक मामला सामने आया है, मामला है जबर जनाह का। जी हाँ, वह भी एक डॉक्टर वालों अपनी कंपाउंडर नर्स नाल गल कुछ इस तरह होती है। एक लड़की बीमार होती है तो वह अपनी सहेली के दसन मुताबिक चंगे डॉक्टर की सिफारिश करती है जो गवांढ पिंड चो हुंदा है। लड़की अपने ट्रीटमेंट के हिसाब न दवाई लेंदी है। ज्यों ज्यों समा बीतता है वह डॉक्टर फैमिली डॉक्टर होने का दर्जा हासिल कर लेता है तो अपनी इन्नी को भला मानसी दिखाता है कि लड़की के घर की हालत देख के लड़की को अपनी सहायक कंपाउंडर रख लेता है। फिर लड़की नाल की घटना वापरती है, लड़की की जबानी सुनो। हौली हौली डॉक्टर वालों कुड़ी नाल कीतियां गत्तियां करतूतां आउंदियां ने सामने। डॉक्टर बंदूक की नोक ते करदा रहा गलत काम। तुसीं भी सुनो कुड़ी दी जबानी हड बीती। बने रहो साडे नाल, देखते रहो साडा चैनल। जेकर साडे चैनल ते नवे तो साडे चैनल हुणे सबसक्राइब कर लो तो ऑल बेल आइकन ते क्लिक करो। तुसीं साडे फेसबुक पेज नाल भी जुड़ सकते हो, फेसबुक पेज नूं फॉलो एंड लाइक जरूर करो ताकि हर एक अपडेट तुहाडे एरिए दी मिल सके तुहानू सब तों पहलां। शहीद भगत सिंह नगर तों पत्रकार साबी दासी के नील कुमार बॉबी दी विशेष रिपोर्ट। सर जिदा मैं बीमार सी तो मेरे फ्रेंड सी उन्हें दस्या सीगा कि बे डॉक्टर साढ़े बे नाल दे पिंड जिदा एक डॉक्टर आ बे उतो तुसी अपना ट्रीटमेंट करवा दो। असी उतो अपना ट्रीटमेंट करवाया सीगा बे वो वधिया डॉक्टर आ। तां फिर मैं ते मेरी मम्मा गए सीगे ते नाल मेरी फ्रेंड भी गई सी डॉक्टर को। डॉक्टर ने चैकअप किया तो उन्हें मैं दस्या कि जिदा मैंने स्टमक प्रॉब्लम सी तो लीवर च प्रॉब्लम सी तो नाल मेरे लंग्स के प्रॉब्लम सी तो वह ट्रीटमेंट उतों चलता सीगा। उसके बाद मेरी मम्मा का तो मेरे पापा का भी ट्रीटमेंट उस डॉक्टर को चलन लग पाया। फिर उस तो बाद की होया दसोगे तुसी थोड़ा? उस तो बाद जिदा मेरा ट्रीटमेंट चलता सीगा तो साडा ट्रीटमेंट काफ़ी उस तो टाइम डॉक्टर को चलता रहा। उसके बाद जिदा साडी फैमिली जिदा काम भी साडे करवांदा रहा जिदा कि कह लो मेरे पापा जी की पेंशन रिलेटड काम सीगे, प्रॉपर्टी के काम से डॉक्टर ने साडे सारे काम करवाए तो साडे फैमिली जिदा डॉक्टर बन गए सीगे। तो वो दे बाद दे विच डॉक्टर मैनू उस तो बाद सर मैं दस नहीं सकती। उस तो बाद मैं नहीं दस सकती। जेड़ा जदों तुहाडे फैमिली डॉक्टर वो बन चुके सी उन्होंने की मतलब जिदा मेरे फादर साहब की रिटायरमेंट सी। रिटायरमेंट के बाद मेरे फादर साहब की रिटायरमेंट तो वो आए थे तो उन्हें मैंने कहा उन्हें सानू कहा कि मेरे पास मेरे क्लीनिक पर काम करने वाली लड़की की जरूरत आ, तुसी मेरे को काम कर लवो। तो मेरे घर के भी कुछ हालात ठीक नहीं सके तो मैं उत्थे काम कर लग पी। एक दिन जदों कोई भी क्लीनिक ते नहीं सीगा, डॉक्टर ने अपने कैबन दी अंदर कुंडी लगा के मैं अश्लील हरकतां करनियां शुरू कर दित्तियां। इहदे संबंधी तुहानूं कोई धमकियां वगैरह भी दित्तियां? हाँ जी, मैनूं धमकियां वगैरह भी दित्तियां। जदों मैं रोकदी सीगी पहलां तां जदों मैं क्लीनिक ते जांदी सी मैनूं ओह दवाइयां वगैरह दिंदे सी खाण नूं, मैनूं इह कहिंदा हुंदा सी वी तेरे लंग्स दे विच प्रॉब्लम आ, तूं स्ट्रैस ज़्यादा लैंदी आ, मैं तूं तां ज़्यादा घबरा मैं जिदा स्ट्रैस ज़्यादा लेंदी सी तो मैं दवाइया दिता तीन टाइम मैंने डॉक्टर दवाइया दिता सी, दोपहर में भी सवेर में भी तो रात में भी। जो दवाइया खाती सी ना तो मेरी सोचन समझन की शक्ति काम करती सी ना मैं कुछ सौंदी सी, सारा दिन कंधा च सिर मारती रहती सी। जो मैं डॉक्टर को कहती सी कि डॉक्टर साहब भी मैं सौंदी नहीं, सारा दिन मैं जागती रहती, रात के चार चार बजे तक मैं जागती रहती हाँ, तो डॉक्टर मैनू कहन लगे भी तू घबराहट तेनू होंगी, तू टेंशन लेंदी हाँ, तू तां घबरा दी हाँ भी घबरा ना भी तू ठीक हो जाना।
ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧਮਕੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਰਿਵੋਲਵਰ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਰਿਵੋਲਵਰ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ SSP ਸਰ ਮਿਲੇ ਨੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਚਰਡੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਰੇਪ ਦਾ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਲੈਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।